नमस्कार साथियों, मैं अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आज आपको छत्तीसगढ़ के एक ऐसे नृत्य के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं, जो छत्तीसगढ़ के प्रमुख नृत्यों में से एक है। जी हां दोस्तों, मैं पंथी नृत्य के बारे में आज आपके समक्ष बहुत ही संक्षिप्त में जानकारी रख रहा हूं कि पंथी नृत्य कैसा होता है और इसको किस प्रकार से गाया जाता है और पंथी नृत्य क्या है। तो दोस्तों, पंथी जो नृत्य है वो गुरु घासीदास के मानने वालों सतनाम पंथ के द्वारा गाया जाने वाला या नृत्य किया जाने वाला एक नृत्य है, जो कि आम छत्तीसगढ़ी बोली में गाया जाता है और साथ में नाचा जाता है, जिनके शब्दों और संदेशों में साधारण व्यक्ति की मतलब साधारण व्यक्ति भी इनके संदेशों को समझ सकते हैं। पंथी नृत्य जितना मनमोहक और मनोरंजन होता है, उसमें उतनी आध्यात्मिक गहराई, भक्ति का ज्वार और संदेश छिपा होता है। तथा मैं एक बात और कहना चाहूंगा दोस्तों कि पंथी नृत्य हालांकि सतनाम पंथ के द्वारा नृत्य किया जाता है, लेकिन अब इस नृत्य का प्रचार प्रसार इस तरीके से हो चुका है कि ये एक नृत्य की विधा के रूप में आ चुका है और बहुत सारे अब ये जाति प्रथा से ऊपर उठ चुका है और छत्तीसगढ़ के बहुत सारे लोग इसको सीखना चाहते हैं, सीखते भी हैं। जाति बंधन से यह नृत्य ऊपर उठ चुका है। तो मैं बताना फिर भी चाहूंगा कि पंथी नृत्य कैसे किया जाता है और क्या किया जाता है। तो आमतौर पर संत गुरु घासीदास बाबा की स्तुति में यह गीत को शुरू करते हैं। वैसे तो हर साल गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर इसको प्रस्तुत किया जाता है 18 दिसंबर को, लेकिन फिर भी समय समय पर इसकी प्रस्तुति की जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें एक मुख्य नर्तक होता है जो कि पहले गीत की कड़ी को उठाता है, जिसे अन्य नर्तक दोहराते हैं और नाचते हैं। ये जो इनका जो नृत्य होता है बहुत ही फास्ट होता है, तेज गति से होता है, एक प्रकार से कहना चाहिए कि बिल्कुल योग की जो विधा होती है ये सबको सम्मिलित की होती है। जैसे कि इसके जो प्रमुख जो नर्तक रहेंगे, अगर वो मैं मतलब बताना चाहूंगा कि अगर वो ये लाइन को बोलते हैं, जैसे कि सत्य धरती टिके है, सत्य खड़े आगास और सत्य सृष्टि सिरजे कह गए घासीदास, अगर ये मुख्य नर्तक बोलता है तो बाकी वाले जो नृत्य करने वाले जो नर्तक हैं वो भी इस चीज को दोहराएंगे। कैसे दोहराएंगे, सत्य धरती टिके है, सत्य खड़े आकाश, सत्य सृष्टि सिरजे कह गए घासीदास। तो इस प्रकार से बहुत ही सुमधुर संगीत के साथ इसको गाया और नाचा जाता है। प्रारंभ में गीत संगीत और नृत्य की गति धीमे धीमे चलती है, लेकिन जैसे जैसे गीत आगे बढ़ता है मृदंग की ताल तेज होती जाती है, वैसे वैसे पंथी नर्तकों की जो भाव मुद्राएं हैं तेज होती जाती है। गीत के बोल और अंतरा के साथ नृत्य की मुद्राएं भी बदलती जाती है तथा धीरे 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 ये बहुत ही तेज गति से नृत्य आगे बढ़ता है। ये देखने वाले का बिल्कुल मन मोह लेता है इस प्रकार से हमारा ये पंथी नृत्य। तो ये एक प्रकार से धारा प्रभाव में गाया जाता है और प्रमुख नर्तक बीच बीच में आहा आहा शब्द का भी उच्चारण करते हुए नर्तकों का उत्साह वर्धन करते हैं। तो इस प्रकार से थोड़े थोड़े अंतराल के बाद प्रमुख नर्तक सीटी भी बजाता है। ये जो सीटी है जो नृत्य की मुद्राएं बदलने का संकेत करता है, जो सीटी बजाई जाती है प्रमुख नर्तक के द्वारा वो ये बताता है कि भैया आपका मुद्रा बदलने का क्रम आ गया है।
और नित्य का समापन तीव्र गति के साथ चरम पर होता है। नित्य की तेजी, नर्तकों की तेजी और मुद्राएं देह गति बदलते रहती है तथा दर्शकों को आश्चर्यचकित कर देती है। अच्छा, अब मैं दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि पंथी नर्तकों की वेशभूषा क्या होती है। बहुत ही सादी होती है, छत्तीसगढ़िया वेशभूषा ही होता है, मतलब छत्तीसगढ़िया किसान जैसे पहनते हैं वैसे ही। अभी अभी थोड़ा सा आकर्षक वेश मुद्राएं मतलब वेशभूषा पहना जाता है, फिर भी सादा बनिया ही होता है ना, घुटने तक तथा साधारण तक धोती होता है, गले में हार है ना, सिर में सादा फेटा, माथे पर सादा तिलक। तो अत्यधिक वस्त्र श्रृंगार यहाँ के नर्तक नहीं करते हैं, फिर भी अभी थोड़ा बहुत करने लगे हैं, लेकिन मूलतः इसी यही इनका वेशभूषा होता है। समय के साथ वेशभूषा में मैंने बताया कि कुछ परिवर्तन अब आते जा रहा है वक्त के साथ, जैसे अब रंगीन कमीज और जैकेट भी पहनते हैं। मादर एवं झांझ पंथी के प्रमुख वाद्य यंत्र, इसमें चेंज नहीं आया है दोस्तों अभी तक, क्योंकि मादर और झांझ पहले भी बजाया जाता था, आज भी बजाया जाता है, अब थोड़ा बहुत इसमें भी सम्मिलित किया जैसे बेंजो, ढोलक, तबला, केसियो का भी प्रयोग वक्त के साथ, और वक्त के साथ जरूरी भी है, इस छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य में किया जाता है। लेकिन फिर भी आज भी इसमें अध्यात्म की गहराई और भक्त की भावनाएं और जो सादगी और आकर्षक और मनोरंजन जो देखने को मिलता है, यही पंथी नृत्य की विशेषता और इसे अनूठा स्वरूप बनाता है। यह पंथी नृत्य धर्म जाति रंग रूप से ऊपर उठकर ये एक छत्तीसगढ़ की पहचान बन गई है। मैं तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि हमारे छत्तीसगढ़ के इस नृत्य को जब कभी भी देखने का अवसर मिले आप जरूर देखें, जरूर इनके शब्दों को समझने का प्रयास करें। निश्चित रूप से मेरा यह मानना है कि छत्तीसगढ़ का हमारे पंथी नृत्य और गायन कला और नृत्य की कला देखकर जरूर आप सभी प्रसन्नचित होंगे, हर्षित होंगे और अपने छत्तीसगढ़ माटी पर जरूर आपको गर्व होगा। जय छत्तीसगढ़।